पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सपाइयों ने नमन किया। सपा के चक्कर की मिलक पार्टी दफ्तर पर जिलाध्यक्ष राजीव कुमार सिंघल और महानगर अध्यक्ष हाजी मन्नू कुरैशी की मौजूदगी में चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के बाद जिलाध्यक्ष ने उलेमा मौलाना आलिम कादी को सपा अल्पसंख्यक सभा का जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया। संचालन संजीव चौधरी ने किया। बाबर खां, विजयवीर यादव, लईक अंसारी, अमित यादव आदि शामिल रहे। आज जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब की जन्म जयंती यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई और इस उपलक्ष्य में एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय आदरणीय चौधरी साहब के जीवन पर प्रकाश डाला गया और उनके द्वारा किसानों के, गरीबों के हित में जो काम किए गए उस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी जिला अल्पसंख्यक सभा के एक उपाध्यक्ष मौलाना सैयद आलम कादरी साहब उलेमा हैं, उनको जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया और मनोनयन पत्र दिया। इसको हम पूरे प्रदेश में पूरी जिम्मेदारी के और निष्ठा के साथ समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और अल्पसंख्यक सभा का आज मुझे जिला उपाध्यक्ष जो मनोनीत किया गया है माननीय नरेश उत्तम जी की जानिब से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जिला महासचिव श्री चांद भाई जो आप देख रहे हैं हमारे साथ और विधानसभा अध्यक्ष जावेद भाई, उनकी बड़ी कोशिशें और मेहनतें रही हैं और ये मेहनतें करते हैं आज मैं भी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के इरादों को और उनकी बातों को पूरी तरीके से पूरा करूँगा। और जो आज ये भय का माहौल पूरे देश में हिंदू मुस्लिम और लोगों को बांटा जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, गाय के नाम पर, खाने के नाम पर, ये आज इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो समाजवादियों की राय है वो एक ऐसी राय है और ऐसी सोच है जिससे पूरा प्रदेश और देश क्या वो मजबूत हो और देश का विकास हो सके। 2019 के इलेक्शन के लिए क्या कहना चाहेंगे? 2019 में आप क्या पूछ रहे हैं हमसे? 2019 में तो आप ये समझें मोदी जी तो यूपी उत्तर प्रदेश में मोदी जी के तो 5 सीटें हमने यहाँ देंगे। हमारा संगठन वैसे मजबूत करा है। मोदी जी जैसे आए थे, जैसे आंधी आई थी मोदी जी की, ऐसी वो जाएंगे। कोई आदरणीय चौधरी चरण सिंह साहब को कोई पूछ रहा है? मोदी जी को आने वाले वक्त में कोई पूछेगा नहीं। मोदी जी एक इतने बड़े पद पर विराजमान है लेकिन उन्होंने देश के प्रति बड़ा धोखा किया। राफेल पर आप देख लें और आप देख लें क्या बोलते हैं नोटबंदी से देश परेशान हुआ, पूरा किसान परेशान हुआ और बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अंबानी को, उन्होंने अडानी को क्या फ़ायदे पहुंचा देश की जनता को कोई नहीं। अच्छा, क्या जिम्मेदारी मिली है आपको आज? आज मुझे जिला मुरादाबाद का अल्पसंख्यक सभा का जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है।